अगर आपके भी हेयर फॉल हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इस रेमेडी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। ये रेमेडी आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने में बहुत ही तेज़ी से मदद करेगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक ब्यूटी हैक्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ज़िंदगी में कुछ भी हो पर हमेशा हमें मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि जो हमारी मुस्कुराहट होती है वो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देती है। अब आप कहोगे हमारा इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और ये हमें मुस्कुराने के लिए कहती है, हम भला कैसे मुस्कुरा सकते हैं? तो मैं कहूंगी आज मैं आपके लिए आपकी मुस्कुराहट का राज लेके आई हूँ। जी हाँ, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी को शेयर करने जा रही हूँ जिससे कि आपके हेयर फॉल कंट्रोल होंगे ही होंगे। ये मैं एक चैलेंज दे रही हूँ क्योंकि ये इतना ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है। इसे जब आप अपने बालों में लगाएंगे तो आपके हेयर फॉल बिल्कुल कंट्रोल हो जाएंगे, प्लस में जो नए बाल उगते हैं उसे भी उगने में मदद करेंगे, प्लस में आपका ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होगा, प्लस में आपके जो दो मुंहे बाल होते हैं वो भी ख़त्म होंगे, प्लस में आपके जो हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम होती है वो भी ख़त्म होगी, प्लस में आपके जितने डैंड्रफ रहते हैं वो भी ख़त्म होंगे, प्लस में आपके हेयर पे जितनी भी ड्राइनेस, रफनेस या फ्रिजनेस रहती है वो सारी प्रॉब्लम ख़त्म होंगी बस इस रेमेडी को लगाने के बाद। तो है ना ये? तो मैं जिस रेमेडी की बात कर रही हूँ उसका नाम है प्याज। अब आप कहेंगे हमने प्याज के ऊपर बहुत सारी वीडियो देखी है, बहुत सारे एप्लीकेशन किया है, पर हमें अच्छा रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिला। तो मैं कहूँगी जी हाँ, हो सकता है कि आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस तरीके से हम लगाते हैं वो हमारी स्कैल्प को सूट नहीं होता है और हमारे हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होते हैं। बट हमें तरीके को चेंज करने की ज़रूरत है जिससे कि हमारे हेयर फॉल कंट्रोल होंगे। जी हाँ, प्याज जो है वो हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट माना जाता है, क्योंकि प्याज में सल्फर होते हैं। ये हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक करता है, ये हमारे जो न्यू बेबी हेयर होते हैं उसे उगाने में मदद करता है, प्लस में ये हमारे हेयर ग्रोथ में भी मदद करते हैं। जी हाँ, तो आइए हम जानेंगे कि हमें इस रेमेडी को कैसे बनाना है, कैसे लगाना है और कैसे हमें अच्छा रिजल्ट पाना है। जी हाँ, तो सबसे पहले हमें यहाँ अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग प्याज ले लेना है। तो मैंने यहाँ दो छोटे छोटे प्याज लिए। जी हाँ, हमें छोटे प्याज को लेना है, बड़े प्याज को नहीं लेना है। तो मैंने यहाँ दो छोटे से प्याज लिए थे जो हम सैलेड वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। जी हाँ, तो मैंने यहाँ दो छोटे प्याज लिए थे। इन दोनों प्याज को हमें अच्छे से छील लेना है और काट के हमें इसे मिक्सर में डाल देना है। उसके बाद जो हमें सेकेंड इंग्रेडिएंट लेना है वो है अदरक। जी हाँ, तो अदरक में जिंक और मैग्नीशियम होता है जो हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं, प्लस में ये हमारे बालों में डैंड्रफ को भी होने नहीं देते हैं और हमारे हेयर ग्रोथ में भी मदद करते हैं। तो हमने जाना था कि प्याज में सल्फर होता है जो हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, और अब हमने जाना है कि जो अदरक है वो भी हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, एक से भले दो, जो एक नहीं कर सकते हैं वो दो मिलके कर सकते हैं। जी हाँ, तो हमें अदरक और प्याज के दोनों को हमें मिक्स कर देना है, अच्छे से हमें पीस लेना है और इसकी हमें रस को निकाल लेना है। जी हाँ, रस को हमें अच्छे से छलनी की मदद से छान के हमें इसे अच्छे से निकाल लेना है। उसके बाद जो हमें इसमें ऐड करना है वो है ऑलिव ऑयल। जी हाँ, ऑलिव ऑयल के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं कि इसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं जिससे कि हमारा हेयर फॉल कंट्रोल होता है, हमारे हेयर ग्रोथ होता है और ये हमारे बालों में किस किस तरह से काम करते हैं और इसमें क्या क्या होते हैं, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो हमें इसमें 2 चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड करना है, वो हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छा ऑयल माना जाता है। जी हाँ, उसके बाद जो मेन ऑयल है जो हमें लेना है वो है आमंड ऑयल। जी हाँ, मतलब कि बादाम का तेल। तो मैंने यहाँ प्योर बादाम रोगन ऑयल लिया है, मैंने इसे फ्लिपकार्ट से मंगाया था। आप भी इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं या किसी भी शॉप से जाके आप इसे बाय कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 1 चम्मच मैंने इसमें बादाम का तेल भी अच्छे से मिक्स कर दिया था।
पाम के तेल में विटामिन ई होता है और प्लस में इसमें ओमेगा -3 फैटी एसिड होते हैं। ये हमारे हेयर में फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं, प्लस में ये हमारे हेयर को जड़ से मजबूत करते हैं जिससे कि हमारे हेयर फॉल बिल्कुल नहीं होते हैं। हमने इस चारों इंग्रेडिएंट के पावर के बारे में जान लिया है, इसे हमने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। अब मैंने इसमें जो लास्ट चीज़ ऐड की है वो है टी ट्री ऑयल। अगर आपके पास है तो आप ऐड कर ले, ये डैंड्रफ को होने नहीं देगा। अगर आपके पास नहीं है इसे स्किप कर सकते हैं। जी हाँ, तो मैंने इसमें 4 से 5 बूंद टी ट्री ऑयल के भी डाले थे जिससे कि हमारे हेयर में डैंड्रफ नहीं होंगे और प्लस में हमारे हेयर जो है वो हेल्दी होंगे। जी हाँ, तो अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है। ये एक बहुत ही पावरफुल ऑयल मास्क बन के तैयार हो गया है। हमें इसे अपने स्कैल्प पे लगाना है, अपने लेंथ पे लगाना है और हमें इसे अच्छे से अपने पूरे बालों में लगा लेना है। जी हाँ, तो बालों में लगाने के बाद हमें इसे 30 मिनट तक छोड़ देना है। जी हाँ, 30 मिनट तक आप उसी तरीके से छोड़ दे। उसके बाद हमें करना है बालों को वॉश। पर वॉश करने से पहले हमें यहाँ एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि अगर कोई भी ऐसे हैं जो सीधा शैम्पू को अपने स्कैल्प पे लगा लेते हैं तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे भी हमारे हेयर फॉल होते हैं। क्योंकि शैम्पू में बहुत ज़्यादा केमिकल होता है जिससे कि हमारे हेयर को ये डैमेज करता है। तो जब भी आप अपने हेयर को वॉश करें तो आप कोशिश करें कि कोई मास्क बचा है तो उसमें आप शैम्पू को ऐड करके अपने बालों पे लगाएं। वरना आप सिंपल सा एक काम करें कि एलोवेरा का एक लीफ ले ले और उसे अच्छे से उसके जेल को निकाल ले, उसमें शैम्पू को ऐड कर ले और उसके बाद आप अपने हेयर को वॉश करें। जी हाँ, ये जो है आपके बालों में शाइनिंग का काम करेगा, स्मूथनिंग का काम करेगा, प्लस में कंडीशनिंग का भी काम करेगा जिससे कि हमें कोई भी कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे जो बाल है वो ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाएंगे, शाइन हो जाएंगे और हमारे हेयर फॉल तो कंट्रोल हो ही जाएंगे। तो हमें इस तरीके से इसे हफ्ते में एक बार इस रेमेडी को लगाना है और हमें इस रेमेडी के फायदे को उठाना है। जी हाँ, ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। मैंने पर्सनली इसे इस्तेमाल किया है और मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। उसके बाद मैं आपके साथ इसे शेयर करी। जी हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं कुछ भी शेयर करने से पहले मैं उसे पहले खुद लगाती हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ उसे शेयर करती हूँ। जी हाँ, तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियोस को करें लाइक। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।